ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया, मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा, मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिला थी। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? चार। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती, लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी, अगर मायके से आचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होने होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं, ये कहते हैं बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं, किस किस किया देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं, विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना आए। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का निवास, एक रुपए कमाओगे सवा रुपए खर्च होगा, घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे पर पैसा नहीं दिखेगा, कमा कर लाएगा मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया, नींबू अलग हो मिर्ची अलग हो, दरिद्रता।
महाराज। दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं, मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हों, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर दे। प्रवेश दरिद्र महाराज, भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि सात दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी। और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहां दीवाल पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवाल पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवाल में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा, दीवाल में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवाल के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची अपन को पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ता है, तब पीपल निकल जाए। महाराज शंकर की कथा कह रहे, मेना धन्य और कला, ये तीनों तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई, हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सरी, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्य सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली, ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान है। इतनी देर में देवऋषि नारद का आगमन हो रहा है। देवऋषि मेरी नस नस बोले हरी हरी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, सब बोलिए दोनों हाथों से, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि,
मेरा रोम रोम बोले हरि हरि। श्रीमन नारायण दोनों हाथ हाथों से बड़े भाव से